मैं विश करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो की बात करने के लिए, जिसमें मैं आपको BSSC के बारे में बताऊंगी, यानी कि बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के बारे में, और जो कि पोस्ट निकाली गई है 12th पास के स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है, और साथ ही जो पोस्ट है कुल वो है 12,140, और साथ ही ये वैकेंसी बिल्कुल जेन्युइन है जो कि हम रोजगार समाचार से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही मैं हूँ संजना, और डिटेल में बात करते हैं BSSC के बारे में। और साथ ही अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कोई भी सरकारी जॉब की जो अपडेट है वो मिस ना हो सके। तो दोस्तों चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं, और साथ ही में कि क्या क्या वैकेंसीज की डिटेल्स है, यानी कि बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के बारे में जो कि 12th पास के स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। तो अब हम डिटेल में इसकी बात करते हैं, और साथ ही ये मतलब कि स्टेट लेवल पे निकाली गई है वैसे तो ये जॉब, लेकिन ऑल इंडिया से सब लोग जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बस फीस का थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में जो कि बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है वैकेंसी। तो डिटेल्स में पहले हम बात करते हैं कि क्या कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 12,140 है, वहीं जनरल वालों को एक बहुत बल्क में जो है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट जो है काफी अच्छे लेवल पे निकाली गई है 4,775, और वहीं BC की बात करें तो 1,097, और वही MBC की बात करें तो 2,723, वही SC की बात करें तो 2,592, ST की 474, WBC की 479। तो यहाँ पे SC के लिए भी एक अच्छा मौका है जो कि अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत अच्छी निकाली गई है 2,592, वही ST के लिए भी एक अच्छा ही मौका है, 474 पोस्ट निकाली गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी को मैं इसलिए ज्यादा जो है हाईलाइट करती हूँ क्योंकि जनरल वालों के लिए बहुत कम पोस्ट निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे लगभग 5,000 पोस्ट जो है निकाली जा रही हैं, तो इसलिए जनरल वालों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैकेंसी के पे स्केल की। तो जो पोस्ट है वो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जो कि मेन्स का है, इसी में पोस्ट निकाली जाएंगी। तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 5,200 है वही जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करें तो 20,200 तक जा सकती है। ग्रेड पे की बात करें तो 1,900 रुपए यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आगे बताने चाहूंगी, उससे पहले बीच में चलिए बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो हम सीधे आपके तक रोजगार समाचार से पहुंचाते हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन होती है। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे हम एज लिमिट की बात करना चाहते हैं पहले। तो एज लिमिट यहाँ पे BSSC के रूल्स यानी कि बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग है, वही जो है 12th पास मतलब कि जो 12th में है या जो 12th पास कर चुके हैं वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है यानी कि इसके नोटिफिकेशन पे जाकर के भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज नोटिफिकेशन का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसी जॉब के तीसरे पार्ट की, तो एप्लीकेशन फीस की और लास्ट डेट की। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं पहले। तो जनरल कैटेगरी और बिहार स्टेट के लोगों के लिए और जो बिहार के OBC हैं उनकी यहाँ पे फीस है 700। वही बात करें SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स की तो यहाँ पे 200 रुपीज उनके लिए है। वही अदर स्टेट कैंडिडेट्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको बिहार के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 750 रुपए यहाँ पे उनको पे करने होंगे। तो आप इस प्रोसेस को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भी सबमिट कर सकते हैं। तो जो लोग बिहार स्टेट को स्टेट सर्विस कमीशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट से भी। और अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 29 फरवरी है जो कि निकल चुकी है,
और जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है जो कि जल्दी आ जाएगी, तो आप जल्दी से अप्लाई कीजिए इसके लिए। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फीस आप सबमिट कर सकते हो 16 मार्च है, तो आप इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि एप्लीकेशन फी है वो आप 16 मार्च को ही सबमिट कर सकते हैं, हालांकि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 18 मार्च तक। तो आपको ये चीज अपने माइंड में लेके चलनी है और ध्यान से सोच के चलना है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अप्लाई डिटेल्स की। तो वैसे तो एप्लीकेशन का जो अप्लाई करने का लिंक है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और नोटिफिकेशन का भी, और साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.bssc.bihar.nic.in, तो आप वहां पे जाके फॉर्म ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बना सके। साथ ही और जो जॉब लोकेशन रहेगी वो बिहार है, ऑब्वियसली बिहार, जब बिहार इतनी अच्छी लेवल पे आपको पोस्ट दे रही है तो बिहार स्टेट सर्विस कमीशन है। वहीं बात करते हैं प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका रिटर्न होगा, मतलब आपका पहले रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा उस पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे अब हम डिटेल्स की बात करते हैं। तो पहले तो आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, पहले स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप फीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करने के बाद आप इनवॉइस लेंगे, उसके बाद फीस की डिटेल्स लेंगे और अंडरटेकिंग लेंगे, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो इन चार स्टेप्स का ध्यान रखिएगा आराम से और ताकि आप आराम से अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में तो जान ही गए हैं, तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पहले। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और जो कि जेन्युइन भी है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इतने लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है वो आराम से इस जॉब को अप्लाई कर सके, क्योंकि जनरल वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी सीटें निकाली गई हैं। तो जल्दी कीजिए उसको अप्लाई कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की न्यू अपडेट्स मिलती रहें।